प्रदेश के सियासी घमासान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही सियासी पार्टियां इससे दो चार हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संकट देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। गहलोत वर्सेस पायलट की सियासी लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस ने इसी महीने की 6 जुलाई को दिल्ली में बैठक की, जहाँ पर प्रदेश की 29 नेताओं ने हिस्सा लिया। और इस बैठक में सचिन पायलट जहां दिल्ली पहुंचे, वहीं अशोक गहलोत वर्चुअली साथ जुड़े। 4 घंटे चली इस मैराथन बैठक के बाद कहा गया कि आगामी चुनाव में प्रदेश के दोनों नेता एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और पायलट ने भी अपने बयान से ये जाहिर कर दिया कि आगामी चुनाव गहलोत के नेतृत्व में ही होगा। सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार जोर शोर से सत्ता रिपीट का दम भर रही है और लगातार वो केंद्र सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रही है। बीते दिनों ही मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ, जहां 2 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को लेकर न केवल दुख जताया, बल्कि प्रदेश की घटना पर कार्रवाई का उदाहरण भी दिया। इसके बाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। शुक्रवार को विधानसभा में मणिपुर मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आवाज उठाई और चर्चा की मांग की, तो गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को सलाह दे डाली। राजस्थान में मंत्री महोदय बैठे, जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। तो वहीं राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान का बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने खुलकर समर्थन किया और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारी नहीं तो कम से कम अपने मंत्री के बयान पर तो संज्ञान लें। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलाई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर यह शर्मनाक बात है संसदीय मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री जी। सदन में मंत्री का बयान और साथ ही उसको नेता प्रतिपक्ष का समर्थन भी, और अब इसी को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंचा और चंद ही घंटों में गुढ़ा पर कार्रवाई भी हो गई, उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। गुढ़ा का मंत्री पद गया तो अब एक बार फिर से गहलोत वर्सेस पायलट के विवाद को हवा मिल गई है। दरअसल गुढ़ा बीते कुछ दिनों से खुलकर सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं और गहलोत पर हमला भी कर रहे हैं। वैसे गुढ़ा कभी गहलोत के खासम खास हुआ करते थे, मगर कहा जाता है कि कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने के चलते वो गहलोत को छोड़कर पायलट के खेमे में शामिल हो गए थे। अब जब गुढ़ा की बर्खास्तगी हुई है तो चर्चा 2020 की होने लगी। दरअसल 2020 में पायलट भी सरकार में सहभागी थे, मगर मई के महीने में अपनी बगावत के चलते पायलट के साथ ही 2 और मंत्रियों के पद चले गए थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवादों को खत्म करने का हाल ही में दावा कर रही है और अभी ये बात निकली ही थी कि एक के बाद एक मामलों ने सरकार और पार्टी के लिए चिंता बढ़ा दी है, वो भी ऐसे समय में जब अगले कुछ महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव है, जिसमें अब देखना होगा कि क्या गहलोत अपने साथियों के बिना कांग्रेस की नैया को चुनावी समंदर से कैसे निकालेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क।